नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विशाल भारद्वाज नॉलेज। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मुझे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का 10 साल का एक्सपीरियंस है। दोस्तों, मैं आपके लिए पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, फ्रीलांसिंग और वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड वीडियो लेके आता हूं फ्रेंड्स। जिन साइट्स के बारे में मैं आपको बताता हूं, वो सारी इंटरनेशनल साइट्स होती हैं। अगर आप इन साइट्स पे काम करते हैं तो आप डॉलर्स या पाउंड्स में पैसा कमाते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि जो पैसा आप मेरे द्वारा बताई गई साइट से कमाएंगे तो उस पैसे को कैसे आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सी साइट्स के बारे में आपको बताया है, जैसे upwork.com, freelancer.com, guru.com, peopleperhour.com। तो जो अर्निंग आप इन साइट से करेंगे उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए एक पेमेंट गेटवे की जरूरत होती है फ्रेंड्स, जिसका नाम है पेपॉल। दोस्तों, पेपॉल की स्थापना दिसंबर 1998 में कॉन्फिनिटी नामक एक कंपनी के तौर पर हुई थी। उस समय यह कंपनी सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप करने का काम किया करती थी और कुछ सालों बाद इसको ईबे कंपनी ने खरीद लिया। दोस्तों, पेपॉल सबसे पुराना और सबसे अधिक भरोसेमंद ऑनलाइन पेमेंट सर्विस है। यह हमें नेशनल और इंटरनेशनल पेमेंट करने की सुविधा प्रदान करता है फ्रेंड्स। और पेपॉल में आज दुनिया के 190 देशों में 100 मिलियंस प्लस मेंबर्स अकाउंट्स हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इससे यही पता लगता है कि लोग पेपॉल पे कितना भरोसा करते हैं और देखिए कितने सारे लोग पेपॉल के थ्रू मनी ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप में से कुछ लोगों के पेपॉल अकाउंट भी होंगे और बहुत सारे लोगों को पेपॉल अकाउंट बनाना भी आता होगा। लेकिन जो लोग नए नए इन साइट्स पे काम करते हैं या जिन लोगों को पेपॉल अकाउंट नहीं बनाने आते, तो वो भी आसानी से मिनटों में पेपॉल अकाउंट बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए आपको मेरे द्वारा बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा फ्रेंड्स। तो आज मैं अपनी वीडियो में यही बताने वाला हूं कि जो काम आप इन साइट्स से करेंगे उस पैसे को आप कैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं फ्रेंड्स, पेपॉल पे अकाउंट कैसे बनाएं। दोस्तों, आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और सबसे पहले आपने यहाँ पे टाइप करना है www.paypal.com और उसके बाद आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जिन साइट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ वो सारी इंटरनेशनल साइट होती हैं। आप इन साइट पर काम करके डॉलर्स या पाउंड्स में पैसा कमाते हैं फ्रेंड्स, और उस पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हमें एक पेमेंट गेटवे की जरूरत होती है फ्रेंड्स। तो पेपॉल एक बहुत ही अच्छा और बहुत सुरक्षित तरीका है अपने अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करने का फ्रेंड्स। तो जो लोग कोई ऑनलाइन काम करते हैं या घर बैठ के काम करते हैं या कोई फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा लोगों को पेपॉल ही पसंद है फ्रेंड्स। तो पेपॉल में अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा फ्रेंड्स, आपको ये दिख रहा होगा साइन अप फॉर फ्री, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। और उसके बाद आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी फ्रेंड्स। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाहते हैं या आप बिजनेस अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो जैसा कि हम फ्रीलांसिंग साइट पे काम करते हैं तो हम इंडिविजुअली काम करते हैं फ्रेंड्स, तो हमने इंडिविजुअल अकाउंट पे क्लिक करना है फ्रेंड्स, हमने बिजनेस अकाउंट नहीं बनाना। देखिए फ्रेंड्स, बिजनेस अकाउंट की उनको जरूरत होती है जो कोई सेलिंग का काम करते हैं, उनको पेमेंट अपने अकाउंट में मंगवानी पड़ती है इंटरनेशनल से इंडिया में, तो उनको बिजनेस अकाउंट चाहिए होता है जो इनकी कोई फर्म है। तो हम इंडिविजुअली काम करते हैं तो हमें इंडिविजुअल अकाउंट ही बनाना होगा। तो हमने क्या करना है कि इंडिविजुअल अकाउंट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। तो अभी आपसे पूछ रहा है सिक्योरिटी चैलेंज, आपने यहाँ पे क्लिक करना है आई एम नॉट ए रोबोट। उसके बाद आपने यहाँ पे बाईसाइकिल बोला है तो आपने बाईसाइकिल सिलेक्ट कर लेनी है फ्रेंड्स, और यहाँ पे वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड कर देना है, जो भी आप अपना मोबाइल नंबर इसमें देना चाहते हैं तो आप इसमें अपना मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है फ्रेंड्स, और अब ये कह रहा है कि कन्फर्म यूर फोन नंबर, यानी कि हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी आया है फ्रेंड्स, वो ओटीपी आपने यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद ये आपको बोल रहा है सेटअप यूर प्रोफाइल, यहाँ आपने अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है फ्रेंड्स। इसके बाद ये बोलेगा कि आपको पासवर्ड, आपने यहाँ पे जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो आप पासवर्ड आपने डाल देना है फ्रेंड्स, और कन्फर्म यूर पासवर्ड में आपने सेम पासवर्ड डाल देना है फ्रेंड्स। तो मैं एक बार आपको फिल करके दिखा देता हूँ ये। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स ये आपसे बोलेगा ऐड योर एड्रेस, आपने क्या करना है यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है और अपना नेम फिल करना है फ्रेंड्स। देखिए अगर हम इंडिया से हैं तो कंट्री हमने इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है फ्रेंड्स, अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आप अपनी कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट नेम में आपने अपना नेम डालना है, जैसे मेरा नाम विशाल भारद्वाज है तो विशाल आपने फर्स्ट नेम में डाल देना है, भारद्वाज आपने लास्ट नेम में डाल देना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में आपने वही नेम डालना है जो आपके पैन कार्ड में है, यानी कि मेरे पैन कार्ड में मेरा नाम विशाल भारद्वाज है तो मैंने विशाल भारद्वाज ही यहाँ पे अपना नाम डाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो भी नाम आपका पैन कार्ड में है वो नाम आपने यहाँ पे फिल कर देना है।
इसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना फ्रेंड, जो भी आप अपना एड्रेस डालना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे एड्रेस फिल कर देना है फ्रेंड्स। मैं एक बार आपको फिल करके दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस फिल कर देना है, सिटी में आपने अपना सिटी नेम डाल देना है, कंट्री और स्टेट में आपने अपना स्टेट डाल देना है कि आपकी जिस भी स्टेट से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो वो स्टेट आपने यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद पिन कोड में आपने अपने एरिया का पिन कोड डाल देना फ्रेंड्स, और पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। इसके बाद एग्री एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। तो इसके बाद ये आपको बोलेगा लिंक ए कार्ड। तो फ्रेंड्स, जिस भी बैंक अकाउंट में आप पेमेंट मंगवाना चाहते हैं उसके आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड होगा तो वो कार्ड आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं फ्रेंड्स अपना। देखिए यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने अपना डेबिट कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद कार्ड टाइप, कार्ड टाइप में फ्रेंड्स आपका जो भी कार्ड है, मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, या कोई रुपे कार्ड है, या डाइनर क्लब कार्ड है, तो कार्ड के ऊपर ही लिखा होता है फ्रेंड्स कि आपका कौन सा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे पास मास्टर कार्ड है तो मैं यहाँ पे मास्टर कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो आपका डेबिट और क्रेडिट कार्ड होता है उसके राइट हैंड साइड में लिखा होता है फ्रेंड्स ये मास्टर कार्ड है या वीज़ा कार्ड है, तो आप अपने कार्ड के ऊपर देख के यहाँ पे फिल कर देना है फ्रेंड्स आपने। इसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ पे एक्सपायरी डेट डाल देनी है, जो भी कार्ड की आपकी एक्सपायरी डेट है वो आपने फिल कर देनी है। एंटर सिक्योरिटी कोड में, सिक्योरिटी कोड में फ्रेंड्स आपने अपना CVV नंबर डालना है। यह CVV नंबर आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बैक साइड में लिखा होता है और यह नंबर 3 डिजिट का होता है फ्रेंड्स, तो वो नंबर आपने यहाँ पे फिल कर देना है फ्रेंड्स। और सारी डिटेल फिल करने के बाद आपने लिंक कार्ड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी फ्रेंड्स। देखिए अब आपके मोबाइल पे एक वन टाइम पासवर्ड गया होगा, तो वो OTP आपने यहाँ पे फिल कर देना है फ्रेंड्स। OTP फिल करने के बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा कार्ड लिंक हो गया है। योर मास्टर कार्ड डेबिट 4109 इज कन्फर्म्ड, यानी कि हमारा मास्टर कार्ड पेपल के साथ लिंक हो गया है। और अब आपने करना क्या है, यहाँ के डन के बटन पे आपने क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स उसके बाद आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी। आपने करना क्या है, नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रही होगी गो टू योर अकाउंट, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हमारी पेपल की ID बन चुकी है। देखिए जैसे मैंने अपना यहाँ पे डेबिट कार्ड लिंक किया था तो वो भी यहाँ पे शो हो रहा है फ्रेंड्स। तो पेपल अकाउंट बनाने के बाद आपने करना क्या है फ्रेंड्स, जिन साइट्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे freelancer.com होगी, upwork.com होगी, या guru.com होगी, तो जब आप उन साइट्स पे काम करते हैं तो वहाँ से जो अर्निंग होती है, जब आप वहाँ से जो पैसा आपने अर्न किया है, यानी कि जो कमाई आपने वहाँ पे की है, तो जब आप उसको विड्रॉल करने लगते हैं तो वहाँ से आपको पेमेंट मेथड पूछता है, यानी कि आप किस मेथड के थ्रू आप पेमेंट विड्रॉल करना चाहते हैं। तो हमने वहाँ पे पेपॉल सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स। तो पेपॉल सिलेक्ट करने के बाद आपने जो ईमेल आईडी अपनी पेपॉल की रखी हुई है वो ईमेल आईडी आपने वहाँ पे डाल देनी है फ्रेंड्स, और आपको वहाँ पे पेपॉल का अकाउंट अपना शो हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, पेपॉल अकाउंट आप अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं और अपने लैपटॉप से भी बना सकते हैं। मोबाइल से बनाने के लिए आपने अपने क्रोम ब्राउजर में जाना है, वहाँ पे सिंपल टाइप करना है www.paypal.com और यहाँ से डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना है फ्रेंड्स। और सेम साइट जो आपको कंप्यूटर पे दिखाई दे रही है वही आपको अपने मोबाइल पे दिखाई देगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे मैंने आपको इस पे बताया है वैसे ही आप अपने मोबाइल पे इसको फॉलो करके आप अपने मोबाइल से भी पेपल अकाउंट बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको यह बताऊंगा कि आपने अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे कैसे लिंक करना है फ्रेंड्स। बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रही होगी, देखिए लिंक ए कार्ड और बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि लिंक ए डेबिट और क्रेडिट कार्ड। ऑलरेडी हम डेबिट कार्ड अपना लिंक कर चुके हैं फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक करना है, तो लिंक ए बैंक अकाउंट आपने यहाँ पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। लिंक ए बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने अपना IFSC कोड डाल देना है और यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल देना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कुछ लोगों को नहीं पता होता कि IFSC कोड हमें कहाँ से मिलेगा, तो आपके बैंक की जो चेकबुक होती है वहाँ पे IFSC कोड लिखा होता है फ्रेंड्स। अगर आपके पास चेकबुक नहीं है तो आप इसको गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, यानी कि अगर मेरा अकाउंट दिल्ली में है या कहीं भी है तो उस ब्रांच का नाम लिख के IFSC कोड आप सर्च कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपने अब अपना IFSC कोड डाल देना है, मैं एक बार फिल करके दिखा देता हूँ आपको। इसके बाद यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल देना फ्रेंड्स। IFSC कोड अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रही होगी लिंक योर बैंक, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अकाउंट नंबर कंफर्म करने के बाद ये आपसे बोलेगा हाउ टू कंफर्म योर बैंक अकाउंट, यानी कि पेपल अब आपका बैंक अकाउंट कंफर्म करेगा। और बैंक अकाउंट कंफर्म करने के लिए ये है आपके अकाउंट में वी सेंड टू स्मॉल डिपॉजिट,
यानी कि बैंक आपके अकाउंट में 1 या 1.5 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जो पेपल है वो 1 या 1.5 रुपए की अमाउंट आपके अकाउंट में 3 से 5 दिन में ट्रांसफर करेगा फ्रेंड्स। तो पेपल ये अमाउंट इसलिए आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है फ्रेंड, ताकि पेपल भी आपका अकाउंट वेरीफाई कर पाए। तो इसमें ये 3 से 5 दिन का टाइम लेता है फ्रेंड्स। इसके बाद आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है स्टेटस, अब ये लिखा आएगा अनकन्फर्म्ड, यानी कि अभी तक पेपल ने हमारे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर नहीं की है फ्रेंड्स। जैसे ही पेपल 3 से 5 दिन के अंदर हमारी ये पेमेंट ट्रांसफर करेगा, यानी कि जब ये 1 या 1.5 रुपए की अमाउंट हमारे अकाउंट में आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारा अकाउंट कन्फर्म्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद हम इस अकाउंट को आप कहीं भी पेमेंट पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स कितना आसान है पेपल में अकाउंट बनाना। तो आप भी अपना पेपल में अकाउंट बनाइए, जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे आप इस पे स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे द्वारा बताई गई साइट्स पे काम करते हैं, यानी कि जिन इंटरनेशनल साइट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का 1 रुपया भी खर्च नहीं होता, ना आपको कोई ज्वाइनिंग फीस देनी है, ना कोई आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, ना आपको कोई फॉर्म भरने की फीस देनी है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन साइट पे रजिस्ट्रेशन करिए, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे काम करिए, तो कि आप बहुत अच्छी खासी कमाई आप उन साइट से कर पाएंगे। और जो कमाई आप उन साइट से करेंगे उसको आप अपने पेपल अकाउंट के थ्रू अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए फ्रेंड्स। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप पेपल पे अकाउंट बना सकते हैं, और देखिए फ्रेंड्स कितना आसान है पेपल पे अकाउंट बनाना, और मुझे पूरी उम्मीद है अब आप भी पेपल पे अकाउंट बना पाएंगे फ्रेंड्स। और दोस्तों मैंने पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, फ्रीलांसिंग और वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप इन साइट्स पे काम करते हैं तो आपको यकीनन बहुत अच्छी खासी कमाई इन साइट से होती है फ्रेंड्स। और इन सभी वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। अगर आप घर बैठ के पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, तो इन वीडियो को जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स, ताकि जिन लोगों के पास जॉब नहीं है या जो लोग घर बैठ के पैसा कमाना चाहते हैं, उन लोगों तक यह मेरा वीडियो पहुँच पाए। धन्यवाद दोस्तों।